कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस की ये बात टोक्यो ओलंपिक के एक दिलचस्प किस्से पर सटीक बैठती है। एक बुजुर्ग इंसान रोज ओलंपिक विलेज के बाहर खड़ा होता था, सिर्फ इसलिए कि मुकाबले के लिए गुजरने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर सके। मतलब आज हमारे शो की शुरुआत एक अच्छी खबर से। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बज। अमेरिका में कोरोना की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े, अब इसका सामाजिक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना के लिए चीन को बड़े पैमाने पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसका नतीजा अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय में एशियाई मूल के नागरिकों के साथ आपराधिक घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बात कोरोना की हो और चीन का जिक्र न हो तो पूरा मामला ही अधूरा लगता है। बताएंगे चीन के एक और तानाशाही कदम के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति समझने के लिए एक नए पैनल का गठन किया है। जानेंगे अफगान बनाम तालिबान की जंग कहां पहुंची। आखिर में बताएंगे अफगान राजदूत की बेटी की कहानी जिसने पाकिस्तान में काफ़ी कुछ सहा। टोक्यो ओलंपिक कई मामलों में खास था, चाहे महामारी की वजह से या खिलाड़ियों की वजह से। शायद पहला मौका था जब खिलाड़ियों ने अपनी मनोदशा बयान की। हाल फिलहाल की भाषा में कहें तो खिलाड़ियों ने मेंटल हेल्थ पर भी खूब बात की। दबाव तो था ही, आसपास दर्शक जो नहीं थे, इन सब के बीच एक उम्रदराज व्यक्ति ऐसा था जिसने सबसे अलहदा पहल की। नाम था योउका नागासे। इस व्यक्ति ने खिलाड़ियों को इस बात से रूबरू कराया कि उन्होंने कितनी मेहनत की, वह लंबी लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में वो कोई पदक जीतें या नहीं, हमेशा याद ज़रूर किए जाएंगे। खिलाड़ियों की बस टोक्यो ओलंपिक विलेज में लगभग 7:15 पर आती थी। योउका रोज वहीं आते और एक पोस्टर के साथ खड़े हो जाते। शुरुआत में उनके हाथों में स्वागत के पोस्टर हुआ करते थे। धीरे धीरे पोस्टर में लिखी बातें मोटिवेशनल होने लगी। एक दिन योउका के पोस्टर में लिखा था, गुड मॉर्निंग खिलाड़ियों, अगर आपको मेडल नहीं मिलता है आप फिर भी शानदार रहेंगे, इसलिए खुद पर पूरा भरोसा रखिए। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि योउका टोक्यो ओलंपिक विलेज के सामने लगभग 2 घंटे तक खड़े रहते थे। 22 जुलाई से 8 अगस्त तक योउका हर दिन वहां नजर आए, दुनिया भर के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए। अमेरिका में कोरोना महामारी के बाद से एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ अब तक 9,000 से ज़्यादा वारदात हो चुकी है। इसमें नफरत भरे तानों से लेकर हमले तक शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये घटनाएँ पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। स्टॉप एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर हेट संस्था ने आंकड़े जारी किए हैं जिसके मुताबिक मार्च 2020 से लेकर जून 2021 तक महामारी से संबंधित नस्लीय हमलों की 9,081 शिकायतें मिल चुकी हैं। अगली खबर उन्हीं एशियाई मूल के लोगों से जुड़ी है। पिछले कुछ समय में चीन के भीतर डेल्टा वेरियंट का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। इसकी वजह से चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को घरों के भीतर ढकेल रहे हैं। वुहान शहर की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों को घरों के भीतर ढकेला जा रहा है। हमारी अगली खबर भी कोरोना वायरस को लेकर ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति खोजने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसके लिए एक नए एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। ये समूह पैथोजेंस पर अध्ययन करने के लिए एक वैश्विक नीतिगत ढांचा तैयार करेगा। इसका नाम इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ओरिजिन्स है। इंडोनेशिया की सेना हो या पुलिस, दोनों में भर्ती के कानून ज़रा अलग हैं। महिलाओं को सेना या पुलिस में भर्ती के लिए वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता था, इसे 2-फिंगर टेस्ट भी कहा जाता है। अब महिलाओं को इस कानून से आज़ादी मिल चुकी है। ये फैसला हाल ही में इंडोनेशिया की सेना ने लिया है। ये नियम शुरुआत से ही विवादों में था, लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। इंडोनेशियाई सेना के मुखिया जनरल अंदिका परकासा ने हाल ही में इस फैसले की जानकारी दी थी। अब बात अफगानिस्तान की, देश जहां दहशत और आतंक स्थायी चेहरा बन चुका है। तालिबान कांधार समेत 12 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है, अब केवल काबुल उसकी पहुंच से बचा हुआ है। काबुल के बाद कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान का अगला निशाना काबुल हो सकता है। इसके अलावा अफगान सरकार ने तालिबान को सत्ता में भागीदारी का न्योता भी दिया था, तालिबान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोहा में राष्ट्रपति गनी के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव पेश किया था। आखिर में बात अफगान राजदूत की बेटी की, पाकिस्तान में जिसके अपहरण का प्रयास हुआ। 16 जुलाई 2021 को अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अलीखिल की बेटी सिलसिला अलीखिल को अगवा करने का प्रयास किया। वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो पाए।
इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ मारपीट की और फरार हो गए। घटना के एक महीने बाद एक ट्वीट करके बताया गया है कि सिलसिला अली खिल इस मुद्दे पर क्या कहती हैं। सिलसिला बताती हैं, बात 16 जुलाई की है। मैं अपने छोटे भाई के साथ उपहार खरीदना चाहती थी। मैंने घर से बाजार जाने के लिए एक टैक्सी ली। वापसी के दौरान मेरे साथ ये घटना हुई। इसके बाद सिलसिला ने बताया कि वापसी के दौरान टैक्सी चालक ने एक और व्यक्ति को बैठा लिया। विरोध करने पर उन्होंने मेरी पहचान बताते हुए मुझे अपशब्द कहे और मारपीट करने लगे। ये सब लगभग 3 से 5 मिनट तक चला। होश आया तो अस्पताल में थी। समझ आया कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। पाकिस्तान पुलिस ने कई सवाल पूछे, वही सवाल कई बार पूछे, मैंने भी वही जवाब बार बार दिए। ऐसी घटनाओं के बाद कई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है, लेकिन मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ। हड्डियों की जांच करने वाले एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था। अब शारीरिक रूप से ठीक हूँ, लेकिन कभी कभी अचानक नींद खुल जाती है, लगता है वहीं हूँ जहाँ घटना हुई थी। पूरी तरह से ठीक होने के लिए मुझे समय चाहिए। यह अफगानिस्तान की लड़की की और उसके परिवार की प्रतिष्ठा का मामला है। मुझे आशा है कि इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई हो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।